हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक डाटा का टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। सपोज हम इस डाटा का जो है एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी डाटा का हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं हम उस डाटा को सेलेक्ट करेंगे। लाइक हम इस डाटा का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद लाइक हम यहां से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट ग्रुप के टेबल ग्रुप्स पर जाएंगे। इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप्स में टेबल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने क्रिएट टेबल का विंडो आएगा जहां पे सबसे पहले हमें टेबल का रेंज दे रखा है। ये जो है, जो हमने टेबल सेलेक्ट किया है ये उसका रेंज है। यहाँ से आप रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली रेंज देना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके भी हम टेबल की रेंज जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे लाइन लिख रही है वो है माय टेबल हैज हेडर, क्योंकि इसके आगे चेक का साइन पुट है। हमारे टेबल में जो सेल्स मैन एरिया, सेल्स टर्नओवर, ये हेडर है। अगर हम यहाँ से इस चेक के साइन को हटा देते हैं तो यहाँ पे ये इन्हें हेडर को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में हेडर्स भी इंक्लूड हो तो हम यहाँ पे चेक का साइन जो है वो पुट कर देंगे। देन हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है, जो अभी हमने रेंज सेलेक्ट करी होगी उसका टेबल जो है वो हमारे वर्कशीट पे इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हमें टेबल टूल्स नाम से एक टैब क्रिएट करके देगा जिसकी सब टैब है डिजाइन टैब। इस डिजाइन टैब का यूज करके इसमें हमें काफी सारी कमांड दे रखी है, काफी सारे ग्रुप्स दे रखे हैं जिनका यूज करके हम अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली कमांड है टेबल नेम। अगर हम टेबल का नाम देना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट नेम हमें दे रखा है टेबल फोर। अगर हम टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करके टेबल का नाम जो है वो दे सकते हैं। लाइक हम इसे नाम दे देते हैं MD वन टेबल, तो हम यहाँ पे इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम टेबल को रिसाइज करना चाहते हैं तो हम इस रिसाइज वाले बटन पर क्लिक करके जो टेबल का साइज है उसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से रिसाइज वाले बटन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इसका साइज जो है वो, यानी कि इसका रेंज जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसे कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर हम चाहते हैं कि जो टेबल है इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं वो रिमूव हो जाएं, तो हम रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने रिमूव डुप्लीकेट्स का विंडो ओपन होगा। हम यहाँ से जो है कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें से हम डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं। लेट अस सपोज हम यहाँ से जो भी सेल्समैन वैल्यू डुप्लीकेट है उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उसके सामने चेक का साइन रहने देंगे और जो बाकी के हैं उनके आगे से चेक का साइन रिमूव कर देंगे। अगर आप यहाँ से चेक का साइन रिमूव नहीं करेंगे तो आपके जहां जितने भी कॉलम्स में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो सब रिमूव हो जाएंगी, तो आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी कॉलम पे ही रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो आप वहां पे चेक का साइन उसी कॉलम के आगे जो है वो पुट करेंगे। देन आप ओके करेंगे। ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने 18 डुप्लीकेट्स वैल्यूज जो भी थी उन्हें रिमूव कर दिया है। देन आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज थी उन्हें रिमूव कर दिया है। अब हम इसे फिर से एक बार कंट्रोल जेड कर देते हैं, यानी अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे, फिर से हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, डिजाइन टैब पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारी समराइज विद पाइवट टेबल। इसके बारे में हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिफ्रेश ऑप्शन का। एक्सटर्नल टेबल डेटा ग्रुप में जो हमारी कमांड है रिफ्रेश की, रिफ्रेश का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी डेटा को किसी दूसरी एप्लीकेशन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में इंपोर्ट करते हैं। लाइक हम एक्सेस से कोई डेटा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 में इंपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी चेंजेस हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अप्लाई करें वो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी शो हो जाएं, तो हम यहाँ से रिफ्रेश पर उसे क्लिक करके जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो चेंजेस जो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अप्लाई किए हैं वो हमें एक्सेल में भी शो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप। इसका यूज करने के लिए आप देखेंगे कि हम सबसे पहले अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है हेडर रो का। अगर आप यहाँ से हेडर रो का चेक साइन को हटा देते हैं तो आप देखेंगे इसने यहाँ से हेडर रो को रिमूव कर दिया है। अगर आप फिर से इसे शो करना चाहते हैं तो फिर से हम हेडर रो पर चेक का साइन जो है वो पुट कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम को कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग दे तो आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम पे चेक का साइन जो है वो पुट कर देंगे, तो ये हमारे फर्स्ट कॉलम को एक स्पेशल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल रो। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक न्यू रो जो है वो इंसर्ट कर देगा टोटल नेम से। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस चेक के साइन को यहाँ से हटा देंगे तो ये यहाँ से टोटल रो को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट जो है वो है लास्ट कॉलम। अगर आप लास्ट कॉलम में कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेक का साइन पुट कर देंगे तो ये लास्ट कॉलम पे जो है वो स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक का साइन हम हटा देंगे। नेक्स्ट है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज का मतलब ये है कि अगर आप इवन रोज को ऑड रोज से अलग फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक के साइन को हटा के देखेंगे कि इसने जो है यहाँ पे सभी रोज को व्हाइट में चेंज कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैंडेड रोज को जो है ये अलग फॉर्मेट दे तो हम यहाँ से जो है डिजाइन टैब के बैंडेड रोज पर जो है वो चेक का साइन फिर से पुट कर देंगे तो अब यहाँ पर ये इवन रोज को ओड रोज से अलग फॉर्मेट में शो करेगा। फिर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ चलेंगे बैंडेड कॉलम्स पे। अगर हम चाहते हैं कि जो इवन रो कॉलम्स हैं वो ऑड कॉलम से अलग हों यानी कि उनका फॉर्मेट अलग हो जाए तो हम इस पे चेक का साइन पुट कर देंगे। आप देखेंगे कि इसने इवन कॉलम्स को ऑड कॉलम से अलग फॉर्मेट दे दिया है। फिर से हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं और डिजाइन टैब पे चलते हैं और यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि वो इन्हें स्पेशल फॉर्मेट ना दे कॉलम्स को तो हम यहाँ से चेक का साइन रिमूव कर देंगे। और अगर हम दोनों को ही रोज और कॉलम्स को जो है फॉर्मेट देना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेक का साइन लगा के उन्हें स्पेशल फॉर्मेट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टेबल स्टाइल ग्रुप। अगर हम कोई स्पेशल टाइप का टेबल स्टाइल देना चाहते हैं यानी कि टेबल का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसके ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे। जिस भी स्टाइल पर हम अपने माउस को रोल ओवर करेंगे आप देख रहे हैं उसका लाइव प्रीव्यू भी हम अपनी वर्कशीट पर देख सकते हैं। आप जो भी स्टाइल का जो भी स्टाइल अपने टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आप क्लिक करके अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको अपने टेबल के लिए सुइटेबल लगता है वो आप क्लिक करके अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।